आज के कार्यक्रम में जानेंगे फाल्गुन और अधिक मास में जन्मे जातकों का स्वभाव और चरित्र कैसा होता है। अगर आप अधिक मास में जन्मे हैं तो बन के रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज ये जानेंगे कि ऐसे लोग किस प्रकृति के और किस व्यक्तित्व को लेकर पैदा होते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतलाम साधु संगति। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऊपर मैंने जो मंत्र बोला है उसका अर्थ सबसे पहले समझा देता हूं और उसके बाद हम अपने मूल विषय पे आएंगे। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा शीतलता चंदन में होती है और उससे ज्यादा भी शीतल चंद्रमा होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के अतिरिक्त देखें तो सबसे ज्यादा जो शीतलता किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है वो एक अच्छे मित्र के संगति में होती है। क्योंकि अगर आपका मित्र अच्छा नहीं है या फिर वो आपको आपके सही चीजों से आपका दर्शन न कराता हो तब वो शीतलता प्रदान नहीं कर सकता, या यूं कह सकते हैं कि वो मित्रता की परिभाषा को सही रूप से परिभाषित नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कार्यक्रम में बताया था कि आज की हमारी जो चर्चा होगी वो फाल्गुन मास के और अधिक मास में जन्मे जो जातक होते हैं उनके ऊपर होगी कि आखिर इनका स्वभाव कैसा होता है और ये कैसे प्रकृति को लेकर के पैदा होते हैं। अध्ययन ये इसलिए किया जाता है कि आप किस माह में जन्मे हैं। मैंने कल के कार्यक्रम में भी बताया था अंतिम में और आज भी बता देता हूं कि अगर आप किसी के साथ व्यवसाय करने जा रहे हैं, अगर आप किसी के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं, अगर आप किसी के साथ जैसे कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको ये जानकारी हो जाती है कि वो व्यक्ति किस माह में जन्मा है, जैसे अभी तक हमने पक्षों के बारे में जाना कि विभिन्न पक्षों में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, विभिन्न वारों में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, विभिन्न माहों में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, तर्क यह है इसके पीछे हमें जानने का, क्योंकि हम इससे ये पता लगा लेते हैं कि जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहा है। अब मैं आपको इसको और धरातल पे लाके समझाता हूं कि अगर मान लीजिए जैसे आप किसी अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं या अपने बहन की शादी करने जा रहे हैं या किसी की भी संबंध को बनाने या विकसित करने के लिए आप उन्नति कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को लेकर के आप पार्टनर को ढूंढने जा रहे हैं, तब ये स्थिति और ज्यादा उपयुक्त हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आपको यह पता चल जाता है कि जातक कार्तिक माह में जन्मा है, आपको बच के चलना चाहिए और उसके साथ संबंध बनाने से पहले कई बार विचार करना चाहिए। हालांकि ये कई बार एक किसी खास माह में जन्मे जातकों के ऊपर किसी माह का प्रभाव उतना ज्यादा तो पड़ता है, लेकिन कई बार उस व्यक्ति के ऊपर कई अन्य चीजों का भी प्रभाव देखा जाता है, जैसे वो किस पक्ष में जन्मा है, उसका जन्म किस वार में हुआ है, किस नक्षत्र को लेकर पैदा हुआ है, किस माह में जन्म आदि, ये जो चीजें हैं कई सारी चीजें एक व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। तो अगर हम ये जान जाते हैं कि व्यक्ति इस माह में पैदा हुआ है तो उसके अंदर सद्गुण का विकास ज्यादा हो सकता है, वो दुर्गुण से जल्दी प्रभावित हो जाता है, वो संगति उसको किस तरह की प्रभावित करती है, ये चीजें जाननी आवश्यक हो जाती हैं। निश्चित रूप से आप हमेशा ये कार्यक्रम सिर्फ वो देखते होंगे जिस माह में आप जन्मे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता और ज्यादा तब पड़ जाती है जब ऊपर दिए गए चीजों के बारे में जिक्र करना होता है। जब आप विवाह के बारे में बात करते हैं, जब आप संबंध बनाने के बारे में बात करते हैं, जब आप मित्रता करने जाते हैं, जब आप व्यवसाय करने जाते हैं, जब किसी के साथ दूर होकर के या दूर वाले संबंध को विकसित करना चाहते हैं जिसमें आप काफी दूर तक उसके साथ जाना चाहते हैं इस जीवन में, तब इसका अध्ययन परम आवश्यक हो जाता है और ये इसका ज्ञान गूढ़ हो जाता है। आइए बिना समय को नुकसान किए अपने मुद्दे पे आते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां मैंने लिखा है माह जन्म फल में आज इस अंतिम कड़ी जिसमें हम फाल्गुन और साथ ही साथ अधिक मास के बारे में चर्चा करेंगे, यहां मैंने लिखा है शुक्ल परोपकारी च धन विद्या सुखान्वित। मतलब कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास में जन्मा होता है वो कैसा होता है, परोपकार की भावना होती है उसमें। और मैंने जैसे पिछले कार्यक्रम में बताया था कि जिस व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना होती है उसे कहां कहां नहीं जाना होता है, उंगली पे गिनिए या उससे भी आगे।
आपको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी दान देने की आवश्यकता नहीं, अगर आप में परोपकार की भावना है। क्योंकि सबसे बड़ा कर्म इस धरती पे और सबसे बड़ा धर्म जो है वो परोपकार का विकास करना है अपने अंदर। अगर परोपकार है तो सारी चीजें आप में उपस्थित है। तो हम अगर मूलतः ये देख लें कि सिर्फ परोपकार को ही अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो और भी कई चीजों का हमें आवश्यकता नहीं पड़ता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी और चीज के शरण में हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही साथ धन विद्या सुखान्वित, धन और विद्या से परिपूर्ण होता है, उसको धन की कमी नहीं होती है, विद्या को सीखने वाला होता है और सुखी इंसान होता है। साथ ही साथ विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, कई देशों की यात्रा करने वाला होता है, अपने देश की सीमा को तोड़ करके बाहर जाता है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात और समझने वाली है कि विदेशे भ्रमते मतलब क्या हो जाता है। आपके जन्म स्थान से आप जितने ही दूर जाते हैं वहीं जाकर के आप धन कमाते हैं, मतलब आपके जन्म स्थान से आप काफी दूर जाएंगे और कई बार जाएंगे। ऐसा आपको देखा गया है कि अगर आपने फाल्गुन मास में जन्म लिया है तब आप विदेश में जाकर के बसने वाले होंगे, या यूं कह सकते हैं कि विदेश से आपके ऊपर, विदेशों से आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन मिलने का योग बनता है। साथ ही साथ ये चीजें हमें फाल्गुन मास में जन्मे जातकों के ऊपर देखने को मिल जाती है। अब आते हैं कि अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति का जन्म अधिक मास में हुआ है तब वो कैसा होता है। प्रिय दर्शकों, अधिक मास में ही भगवान नृसिंह ने जन्म लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जैसा कि उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि 12 माह में उसे किसी माह में उसका मरण न हो, अर्थात कहीं ना कहीं प्रकृति को उसे मारना था, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो मरना ही है, और कहीं ना कहीं वस्तुतः अगर देखें तो जिसे हम मरना कहते हैं वही तो जीना है, जिसे हम मरना कहते हैं वही तो जीना है। लेकिन जब ये चुकी क्रिया है तो इस हिसाब से अगर आप जिए हैं और जी रहे हैं तो मरना स्वाभाविक है और ये नियति का खेल है। तो यहां पे अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का जन्म अधिक मास में हुआ है आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति का जन्म अधिक मास में होता है वो विषया शक्ति से उसकी आसक्ति ऊपर चली जाती है, मतलब आप किसी भी विषयानुरक्त होकर के किसी भी चीज को नहीं देखेंगे। समझने वाली बात यहां यह है प्रिय दर्शकों कि अगर आपका जन्म अधिक मास में हुआ है या अगर आप गर्भाधान संस्कार करते हैं तो कुछ ऐसे समय पे किया जाए उसका कैलकुलेशन कि वो व्यक्ति हर तीसरे साल के बाद, तीसरे साल में जो है, तीसरे से चौथे साल में अधिक मास की उत्पत्ति होती है या अधिक मास लगता है। तो अगर हम अपनी संतति के बीच में इन चीजों को ध्यान में रखें तो एक सुंदर, स्पष्ट और सही में विद्वान जो होता है उस वैसे संतति को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म अगर अधिक मास में होता है वो विषयहीनता से परे हो जाता है, मतलब उसमें किसी भी चीज की विषयाशक्ति नहीं होती है, वो लालची नहीं होता है, दानी होता है, पराक्रमी होता है, साथ ही साथ वो सुचरित्रवान होता है, सुचरित्र से युक्त होता है। सुचरित्र मतलब अपने चरित्र को वो किसी की वजह से गंदा नहीं करता है, दैवत्व का गुण उसके अंदर हमेशा विद्यमान रहता है और हमेशा दिव्य दृष्टि को पाने वाला होता है, उसकी दृष्टि जो है वो कई बार भविष्य को देखने वाली हो जाती है, साथ ही साथ अन्य तीर्थों को करने वाला होता है, कई सारे तीर्थों में घूमने वाला होता है, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि तीर्थों में जाने की उसकी इच्छा अत्यंत होती है, वो जाता है और तीर्थ करना जानता है, तीर्थ सब कोई नहीं करता। अब आ रहा है श्रावण मास, आप देखिए आपके गांव से कितने लोग जाते हैं, आपके आसपास के लोग कितने ज्यादा लोग अधिक संख्या में श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जाते हैं, लेकिन कितने लोग तीर्थ का सही रूप से पालन करते हैं, ये समझने वाली बात है। निश्चित रूप से अगर आप तीर्थ जाते हैं तो अपने पूर्वजों को देखिए वो कैसे जाते थे, अपने किस चीज का वो पालन करते थे, किस नियम में बंध करके वो तीर्थाटन करते थे। अगर नहीं करते हैं तो फिर उससे बेहतर है आप घर पे ही रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थ में जाकर के और किसी भी कलुषित विचार को उद्वेलित करना या फिर किसी भी कलुषित विचार के अंदर अपने आप को समाहित कर लेना,
उस तीर्थ के फल को न दे करके पाप का भागी बना देती है। और साथ ही साथ निरामय, वो निरामय होता है माया मोह से, आदि के बंधनों से। वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसकी आसक्ति किसी भी चीज में नहीं होती है और हमेशा भव बंधन को छोड़ करके त्यागने के पीछे वो कार्य करता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो एक ऐसा सद्गुणी व्यक्ति होता है जिसका किसी के ऊपर, किसी के व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके साथ बुरे कर्म या अच्छे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। सकल वल्लभ आत्महितंकर, और अपने हित को वो ज्यादा देखता है। निश्चित रूप से अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं तो फिर आप अपने बारे में सबसे पहले सोचेंगे और साथ ही साथ ये सोचेंगे कि मेरी उन्नति कैसे हो जाए, मैं इसको मोक्ष में कैसे बदलूं। परोपकार की भावना तो होगी, आप किसी को तकलीफ देना नहीं चाहेंगे, हमेशा सबकी सेवा करना चाहेंगे। साथ ही साथ आपका लक्ष्य जो होगा वो परम गति को प्राप्त करने का होगा, जैसे साधु और संतप्त जीवन जीने वाले लोगों की होती है। वो कहीं ना कहीं इस भव बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं और ये जो हमारी जीवन रूपी गेम है, जो खेल हम खेल रहे हैं आजकल, उसमें हमारा लक्ष्य क्या होता है, उस गेम से बाहर निकलना। लेकिन हम नहीं निकलते हैं और इसी में ये खेल के चक्कर में खेलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अधिक मास में जन्म होता है जिसका, वो इस भव बंधन से छूट करके आगे बढ़ना चाहता है और परम गति को अर्थात परम लक्ष्य को पाना चाहता है। विषयाशक्ति या विषय में अनुरक्ति कम होती है, हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के पीछे उसका ध्यान ज्यादा रहता है। लोगों को ऐसे भावों में, ऐसे दृष्टि से वो देखता है कि वो कर्मशः सबके साथ समानता का व्यवहार रख सके। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमने ये जाना कि फाल्गुन मास में जन्मे जातकों का स्वभाव और चरित्र कैसा होता है। एक बार फिर से मैं उसको रिकैप कर देता हूं। वो परोपकारी होता है, साथ ही साथ धन, विद्या और सुख आदि से भरा पूरा होता है। उसके पास धन की कमी नहीं होगी, सुख की कमी नहीं होगी और विद्या को पाने वाला होता है या कई सारे विद्याओं का ज्ञाता बन जाता है अगर मेहनत करे तो। साथ ही साथ विदेशों में भ्रमण करने वाला होता है, कई सारे देशों की यात्रा करता है या कई बार उसे विदेश में सेटल होने होते भी देखा गया है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहां पे मैंने सारी चीजें बता ही दी हैं, अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा और फिर आप पूरा नहीं देखेंगे। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल हस्तरेखा के बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, कल से हमारा सेशन हस्तरेखा पे आरंभ होगा और आपको सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से हस्तरेखा का हमारे जीवन में जितना ही महत्व एक कुंडली का होता है, जितना ही महत्व हमारे कुंडली का होता है, उससे कहीं ज्यादा महत्व हमारे हस्तरेखाओं का होता है। क्योंकि इस पेन की टिप अगर आपके टेबल पे पड़ी है वो भी आपको प्रभावित करती है। बिना प्रभावित किए इस धरती पे कुछ भी अछूता नहीं है। सब एक चीज, हर एक चीज हर किसी को प्रभावित करती है। ये अलग बात है कि आपकी विद्वता कैसी है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं और होना भी चाहिए, कल हमारा इंतजार करना मत भूलिएगा और थोड़ा सा समय निकाल के जरूर रखिएगा हमारे लिए। तब तक के लिए नमस्कार।